समस्तीपुर जिला आज एक लंबी पारी के बाद विकास की ओर कदम बढ़ाया है। शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति आज 6 नवंबर को जिले के सायरंजन प्रखंड के नरघोगी गांव में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, स्वास्थ्य मंत्री और बिहार विधानसभा अध्यक्ष मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करने के लिए दोपहर में आते उससे पहले आज सुबह 10 बजे स्टेशन चौक स्थित गांधी स्मारक के पास समस्तीपुर के विधायक ने एक दिवसीय सत्याग्रह पर जिले के समर्थकों के साथ बैठे और मुख्यमंत्री के विरोध करते हुए कई लोगों ने अपना सिर मुड़वाकर कॉलेज स्थानांतरण की मांग पर बैठे। समस्तीपुर जिला के पास हम मुड़न भी करा करके तुमको दिखाते हैं कि तुम मर चुके हो समस्तीपुर जिला के लिए। साथियों, मैं ये राम कुमार बाबू का भी महात्मा गांधी ने इस्तेमाल के लिए बराबर का हक, बराबर का हिस्सा, बराबर बराबर जुल्म करता था उस अंग्रेज के खिलाफ में। सारे लोग इतना बड़ा आदमी को सम्मानजनक काम मिलेगा, लेकिन भाइयों आपके भी इसलिए करवाए हैं कि यहाँ मेडिकल कॉलेज जो प्रस्तावित हुआ 45 लाख लोगों के साथ छल हुआ है। ये नीतीश कुमार जो वहाँ के एक दो नेता के बहकावे में यहाँ जब जमीन उपस्थित था जितवारपुर हाउसिंग बोर्ड में उसको उठा करके नरघोगी में ले गया। सर मुंडन तो मरने के बाद करवाते हैं क्या? हम लोगों के लिए नीतीश कुमार मर चुका है, इसलिए हम लोग मुंडन करवाए हैं। और यहाँ का जो राज्यसभा सांसद है माननीय रामनाथ ठाकुर, जो कहते हैं जननायक का पुत्र है, एक बार भी आवाज नहीं उठाए। उनको तो जनता सवाल पूछेगी जब वो आएंगे क्षेत्र में। इसलिए नीतीश कुमार का हम लोग आज से दफना चुके हैं, इसलिए हम मुंडन करवाए। क्या नाम हुआ सर? राम कुमार राय। निश्चित रूप से पूरे जिला के लोग जो कई प्रखंडों से यहाँ पर आए हैं, रोसरा से, वारिसनगर से, कल्याणपुर से, पूसा से, सब जगह से यहाँ पर लोग, हसनपुर बिथान से, सब जगह से लोग आए हैं। मुंडन करके विरोध प्रकट करेंगे। हम बार बार कहते हैं मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज का विरोध नहीं है। आप जिला मुख्यालय में जगह रहते आप सुदूर देहात ले जा रहे हैं किसी एक नेता को खुश करने के लिए। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और विरोध करते रहेंगे। एमसीआई के मापदंड को भी उल्लंघन किया जा रहा है। निश्चित रूप से एमसीआई का मानक कहता है कि जिला मुख्यालय सदर अस्पताल के 5-7-8 किलोमीटर के इर्द गिर्द होना चाहिए। उसके बावजूद जमीन नहीं रहता तो समझ में आता। जमीन है, सहमति की प्रक्रिया है, सारा पेपर उपलब्ध मैंने कराया, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को उपलब्ध कराया, माननीय मुख्यमंत्री जी को जाकर के उपलब्ध कराया, डिपार्टमेंट के प्रधान सचिव को उपलब्ध कराया। सारी प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली गई डिपार्टमेंट के जरिए, सारा कागजात हम लोगों के पास है। उसके बावजूद सिर्फ किसी एक नेता को खुश करने के लिए, आखिर क्या कमजोरी है, क्या व्यवस्था है? ये जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। वही मुख्यमंत्री जब दोपहर में नरघोगी केंद्र प्रायोजित योजना अंतर्गत श्री राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल समस्तीपुर के भवन निर्माण कार्य का शिलान्यास सह कार्यारंभ का उद्घाटन दीप जलाकर किया। वही मुख्यमंत्री ने कॉलेज के निर्माण कार्य का विरोध करने वाले विधायक के साथ साथ अपने दल के एक मंत्री से पूछने की बात कह डाला। मेडिकल कॉलेज 582 करोड़ की लागत से 21 एकड़ में बन रहा है। समस्तीपुर के पन्ने में आज का यह दिन ऐतिहासिक दिन के नजर समस्तीपुर के आम आवाम को बहुत ही बेहतरीन सौगात।
बात समझ सकते हैं कि उसके कारण कितनी आर्थिक गतिविधि बढ़ती है। अब यह मुजफ्फरपुर जाना पड़ता है, वह स्वास्थ्य सुविधाएं इस धरती पर सराय रंजन के लोगों को मिलेंगी, जहां हर प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं आपको मिलेंगी। उन्नत बनाना है, आज जिस प्रकार से मेडिकल साइंस एडवांस हो रही है, उस एडवांस मेडिकल साइंस के साथ बिहार को 70 लाख रुपए की इस मेडिकल कॉलेज अस्पताल के निर्माण का, और इसमें केंद्र सरकार के द्वारा 189 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी गई, जिसमें 60% केंद्र का और 40% राज्य का। केंद्र सरकार की तरफ से 113 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई और बाकी जो पैसा 478 करोड़ रुपया वो राज्य सरकार ने तय किया कि हम करेंगे, और जब जमीन मिल गई तब तो इसका कार्य आरंभ हो गया। अब आज हम देख रहे थे, आज उस न्यूज में बात हमने देखा है, रास्ते में भी आ रहे थे तो हमारे माननीय मंत्री जी हो तो मोबाइल पर सारा न्यूज देखते रहते हैं, कुछ हम लोगों को हेलीकॉप्टर पर दिखा दिए। कल रात में कोई हमको कहा कि एक कोई एमएलए है जो 15 साल समस्तीपुर में नहीं बना तो हम धरना पर बैठेंगे, फिर किसी का कोई और बयान आ रहा है, किसी का कुछ और बयान आ रहा है, हम लोग के सरकार में उनका भी आज एक बयान हम लोग रहे थे। क्या इस बयान का मतलब, ये मेडिकल कॉलेज अस्पताल ये समस्तीपुर में नहीं बन रहा है तो ये कहाँ है, ये दरभंगा में है, ये है ये समस्तीपुर नहीं है कि क्या है जी, तो दूसरा चीज है, ये समस्तीपुर नहीं है कि बेगूसराय है कि समस्तीपुर, दरभंगा है क्या है ये, या मधुबनी है क्या, ये समस्तीपुर ही है ना, इस पर क्या मतलब है बोलने का, यहां बनना चाहिए वहां बनना चाहिए, अगर बनना चाहिए यहां तब 12 का फैसला है, इतना दिन में जमीन क्यों नहीं उपलब्ध कराया, अगर लोगों की इच्छा थी समस्तीपुर शहर में तो समस्तीपुर शहर में जमीन क्यों नहीं उपलब्ध कराया, मैं पूछना चाहता हूं, और खास करके मीडिया के लोगों से हम कहेंगे याद कर निर्णय क्यों इन सब चीजों को पब्लिसिटी देते हैं भाई, ये सब क्या मतलब है ऐसी चीजों के पब्लिसिटी का, और ये सब चीज को पब्लिसिटी नहीं मिलनी चाहिए, कोई आज का निर्णय है, आज तय हो गया कैबिनेट में कब आया, श्री राम जानकी मठ के द्वारा जो जमीन देने का फैसला किया गया और कैबिनेट में तय किया कि समस्तीपुर के अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का नामकरण होगा श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, तो ये तो बहुत कई कई महीने पहले का, उसके बाद टेंडर हुआ है, डीपीआर तैयार हुआ है, तब टेंडर हुआ है, टेंडर अंतिम रूप हुआ है, आज काम शुरू हुआ, आज की चीज है, ये तो बहुत दिन पहले तय हो गया था, अब आज जब काम शुरू हो गया तो खुशी प्रकट करना चाहिए, ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत चीज है। अब मुझे देख करके बड़ी तकलीफ होती है, अभी तो ठीक ही मुख्यमंत्री जी ने बता दिया, एक जो हम लोगों के पार्टी में है मिनिस्टर, उनसे तो हम पूछेंगे अभी आपका क्या बयान है, वो तो हम लोग पूछेंगे, लेकिन वो आदमी का जो बयान है, एक कांग्रेस का है, एक आरजेडी का है, अभी ठीक तो कहा डिप्टी सीएम साहब, आप जरा बताइए पहले कौन रोके हुए था जी, कांग्रेस का राजपाट कितना दिन था, काहे नहीं बना दिए, काहे नहीं मेडिकल कॉलेज बनाते गए, कुछ तो किया नहीं, अब 15 साल तक राज मिला पति पत्नी को, क्यों नहीं यहां कुछ बनवाए, ये कमाल की बात है, मुझे बहुत खराब लगता है, और ऐसी बातों की चर्चा नहीं करनी चाहिए, और इन बातों की आप चर्चा करते हैं तो निश्चित रूप से अपना नुकसान कीजिएगा, ये समस्तीपुर के लोगों को इससे ज्यादा खुशी किस वक्त में होगी भाई, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, इसके बारे में पूरा दे दिया गया, 500 बेड का अस्पताल होगा, इसमें 100 स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, इसके अगल बगल में और संस्थाओं का निर्माण हो रहा है, सारा सब कुछ होगा, जो इलाज कराने के लिए आएंगे उनके अभिभावकों के रखने के लिए धर्म रहने के लिए धर्मशाला भी 100 बेड का बनवाया जा रहा, कौन कौन काम नहीं किया जा रहा, लोग जाते हैं अपने लोगों को इलाज करने के लिए और हॉस्पिटल में भर्ती होता है गरीब गुरबा आदमी, तो कहां नीचे इधर उधर पड़ा रहता है,
तो हमने तो बिहार में अस्पतालों के अगल बगल में धर्मशाला के निर्माण का भी काम शुरू करवाया। तंत्र को हमको रोकने, जलवायु के परिवर्तन को रोकने के लिए हम सब लोगों को संयुक्त रूप से प्रयास करना पड़ेगा और इसके लिए जागृति होनी चाहिए और इस अभियान में हम आएंगे फिर समस्तीपुर। जल जीवन हरियाली का अभियान जो है उस काम को देखने के लिए पूरे बिहार में हम लोग घूमेंगे।